विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जप तप जोगी यज्ञ मुनि करहि राम होशियर अति मारीच सुबहि डरहि राम होशियर। गांधी तनय मन चिंता व्यापि हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी। गांधी तनय मन चिंता व्यापि राम होशियर हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी। राम होशियर राम होशियर राम होशियर। रामचरित मानस के बाल कांड खुले हैं तो चलो यही में के कोई प्रसंग में चर्चा किया जाए। पहली भाव तो यह है बालकांड की कि अपन आपला बालक बनाओ। बिना बालक बनाए भगवान मिलने वाला नहीं है, है नहीं? अगर हमारे अंदर में अहंकार है, छल है और कपट है तो ईश्वर नहीं मिले। क्या वर ओकरे कथन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो जेकर मन में छल कपट है बोले भगवान हाँ नहीं मिले जी। कबीर जी घलो कृषि की ही घोंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। तो ये जो छल कपट के पर्दा है बोला हटा दे, घमंड के अभिमान के दीवार है बोला तोड़ दे और बिल्कुल सरल बन जा। जैसे नानपुन लड़का एकदम सरल रथ है, जेकर मन में कोई प्रकार के खोट नहीं रहे तो नहीं बालक के गए, है नहीं? तोर उम्र है तोर अवस्था है कैसनो रहे, भाव है बालक जैसे होना चाहिए। जैसे नान नान लोग लेकर धुर्रा माटी में सनाए भी थे ना, नाक कान बोहारी थे, अदर कचर परिड़ी थे, अब अपन बाप डहर जाते नहीं तो बाप है ललकार देते, अरे कुछ मूर्तिर में झाना देख तो तोर शरीर में कते गंदगी है, मैला कुचैला भरे हैं, हमें नवा नवा कपड़ा पहरे मोरे डहर आवा था सब लोग मैला देवे का सना देवे का, चल हट मूर्तिर में झाना। गंदा बाप ले लल गंदा बेटा ला बाप है ललकार के भगा देते, आ वही लड़का है महतारी डहर जाते तो महतारी तो बड़ा माया वाली बिचारी है। लड़का के शरीर में कतको गंदगी रहा है तब ले ओला गोदी बैठान लेते, अब अपन लुगरज में ओकर धुर्रा माटी झर्रा के नाक कान ल पहुँच के साफ सुथरा कर देते। लड़कल बढ़िया नुहा खोर के मुड़ कान खोर के काजर पाउडर लगा के नवा नवा कपड़ा पहरा के फूल बरोबर सजा देते न, गजब सुघर दिखते लड़का है तो बाप ललचा देते, आ बेटे कन पाहूँ रे अभी ललकारा दी से अब साफ सुथरा दिखा तो आने का नहीं पाऊंगा। नहीं आए लड़का है तो जबरदस्ती बाँह पकड़ के अपन गोदी माँ बैठा लेते। विचार करो जी, जब सांसारिक पिता गंदा बालक ल गोद में लेना नहीं चाहे तो ईश्वर तो जगत पिता है, वो जगत पिता के गोदी लगर पाना है तो अपन आपला निर्मल बनाओ, अपन आपला साफ सुथरा बनाओ, छल कपट से रहित हो जाओ और विश्वास करो भरोसा करो भगवान के ऊपर। हाँ नानकन लैकल जिसे महतारी पायर थे अवला धर उपट हर फेंक थे तो जत के और जोर से फेंक थे उतके लैके वो कटहल के हाँस थे, रोए नहीं ना डर राय नहीं, उपट डहर ऐसे फेंक थे तो हाँसते नहीं खलखला के। काबर वो जाना थे ये मोर महतारी है, मुलाकात को जोर से फेंक ही कद को ऊपर डहर फेंक ही गिरन नहीं दे टप ले मोल झोंक ही। बस वैसने भगवान के ऊपर भरोसा करो विश्वास करो निर्मल बालक बन जा फिर ओकर मिलत देरी नहीं है। देखो भगवान के अवतार के उद्देश्य ही होते भक्त मन के रक्षा करना है। अधर्मी मन जब अधर्म करते अन्याय करते और जेकर भार से धरती गरवा जाते ना तब भगवान अवतार लेके आते।
अब फिर से प्रभु अवतार धरो, आओ जग का उद्धार करो। सर्वत्र स्वार्थ नीति है, नहीं धर्म कर्म में प्रीति है। अब असुरों का संहार करो, अब फिर से प्रभु अवतार धरो। जिस गौवे को तुम चराते थे, माँ कहकर जिसे बुलाते थे, उस माँ की हत्या हो रही है, लहू में लिपटी रो रही है, उस गौ माता को प्यार करो, अब फिर से प्रभु अवतार धरो। साधु संत यहाँ अब रोने लगे, साधु संत यहाँ अब रोने लगे, जो नहीं होना था वो होने लगे। अब दैत्यों का संहार करो, अब फिर से प्रभु अवतार धरो, अब फिर से प्रभु अवतार धरो। तो धरती में हाहाकार मच गया रहेगा, तो एक जन संत ल भारी चिंता हो गया है, ये पाप के अंत कब हो ही, क्योंकि वो संत है तन चिंता में डूबे रहा। और वास्तव में दुवे जन ला ज्यादा चिंता रहते, एक तो कृषि वाले ला और ऋषि ला, है ना? कृषि और ऋषि ये दुवे जन ला संसार के ज्यादा चिंता रहते, तहन बाकी मलोतिक नहीं रह। ये कृषक है तहन किसान चाहते कि संसार में सब सुखी रहे, सब लब भरपेट खाना मिले। एक ऋषि चाहते कि ये दुनिया में जितना भी असुरता है, दानवता है, वो समाप्त हो जाए और दुनिया के लोग मन सुख शांति पूर्वक रहे। अग्रे सिटी हमारे देश ल कृषि प्रधान, ऋषि प्रधान, मनीषी प्रधान, संस्कृति प्रधान देश कहे जाते हैं। तो युगो युग से यही क्रम चले आवत है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये क्रम युग युग से चले आते हैं। धर्म और अधर्म की युद्ध पहले भी चलत रही से, आज भी चलत है, वो आने वाला समय में भी चल ही है। अमन किथन नहीं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो अधर्म के कभू नाश होवे नहीं करे, हैं? अंधियार है पूरा मिटा जाए का बता था। अब अंधियार अगर पूरा मिटा गए तो फिर अंजोर के अस्तित्व ही कर रही जाए, अंजोर के महत्व ही कर रही जाए। भले मात्रा है घटत बढ़त रही थे, है नहीं, लेकिन धर्म व धर्म अनादि काल से धरती मा थे। जब धर्म है तो अधर्म है तो अति हो जाते ना, चरम सीमा में पहुंच जाते, तब भगवान के अवतार होते। जी बोलिए राज रामचंद्र की जय। राम जी के महिमा अपार गा, राम जी की महिमा अपार गा, सुन लो सुनैया भैया, राम जी की महिमा अपार गा, सुन लो सुनैया भैया, हरि नाम जग मन सार गा, सुन लो सुनैया भैया, हरि नाम जग मन सार गा, सुन लो सुनैया भैया। करते जब अत्याचारी, करते जब अत्याचारी, करते जब अत्याचारी, पापी मन होते भारी, करते जब अत्याचारी, करते जब अत्याचारी, करते जब अत्याचारी, धरती जब व्याकुल होते, चिल्ला चिल्ला के रोते, चिल्ला चिल्ला के रोते, चिल्ला चिल्ला के रोते, आजा राम जी, आजा राम जी, तब प्रभु लेते अवतार गा, तब प्रभु लेते अवतार गा, सुन लो सुनैया भैया, राम जी की महिमा
सुन लो सुनैया भैया हो, हरि नाम जग मांगे सार जा, सुन लो सुनैया भैया हो। गौ ब्राह्मण भूख मरते दुख पाथे भारी गा, दुख पाथे भारी। गौ ब्राह्मण भूख मरते दुख पाथे भारी गा, दुख पाथे भारी। लेके अवतार आथे मुरली धन धारी गा, मुरली धन धारी। लेके अवतार आथे मुरली धन धारी गा, मुरली धन धारी। आजा राम जी, आजा राम जी, हर लेथे धरती के भार जा, हर लेथे धरती के भार जा, सुन लो सुनैया भैया हो। राम जी की महिमा अपार जा, सुन लो सुनैया भैया हो, हरि नाम जग मांगे सार जा, सुन लो सुनैया भैया हो, सुन लो सुनैया भैया हो, सुन लो सुनैया भैया हो, सुन लो सुनैया भैया हो। सियावर राम चंद्र की जय। सजनों, जब ले ब्रह्मा संसार के रचना करे है, तब ले आदमी के जीवन में चिंता ही चिंता भरे है। हाँ, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो, सबके जीवन में एक न एक चिंता। चिंता सबको खा गई, चिंता सबकी पीर, चिंता की फाका जो करे ताका नाम कबीर। लखन सिया राम चंद्र की जय। हर आदमी के जीवन में चिंता जी, कोनो हा आरुग्निये वाहरे चिंता, सब लक्कड़ डरे भोंगरा, यहाँ कोनो निये निंदा ठोस, कोनो निये निंदा, कोनो निये ये चिंता रूपी कीड़ा है। तो आदमी ल छेदा छेदा कट डारे, जिसे लकड़ी ल घुना कीड़ा है छेद डारते, कपड़ा ला दियार है दीमक है खा डरते, लोहा ला जंग है खा डरते, उसने चिंता है आदमी भीतर भीतर खावा था। ऊपर से तो आदमी प्रसन्न हंसमुख दिखाई लेते, लेकिन भीतर में एक न एक चिंता है तो भरे हुए। घर द्वार की चिंता, खेती खार की चिंता, पुत्र परिवार की चिंता, नौकरी व्यापार की चिंता, मोटर कार की चिंता, शरीर के एक क्षण बाल की चिंता, कुर्ता पेंट रुमाल की चिंता, फुलहा फुलहा गाल के चिंता, घर में लोटा थाल के चिंता, ससुराल के चिंता, ससुराल के माल के चिंता, ए साल ओ साल कई साल के चिंता, अब बाँचे खोचे अस्पताल के चिंता। तो निश्चित है जब तक जीवन है, जब तक तन है, तब तक चिंता आना स्वाभाविक है ना। काबर हमन देह भाव वाले जी, देह भाव में हमर जीवन में एक न एक जिम्मेदारी है, एक न एक बोझ है, तो चिंता होना स्वाभाविक है। तो एक काम किया जाए, जब जीवन में चिंता आए तो ईश्वर के चिंतन में लग जाना चाहिए, और जो ईश्वर के चिंतन में लग जाते सजनों पर चिंता है तो दूर हो जाते। चिंतन कर लो परमेश्वर का, चिंता काहे करते हो, वो ही सारे काज संवारे, तुम काहे को डरते हो। चिंतन कर लो परमेश्वर का, चिंता काहे करते हो, वो ही सारे काज संवारे, तुम काहे को डरते हो। भरोसा कर भगवान के ऊपर, हाँ बिल्कुल, तोर काज कारज ल संवार ही, चिंता लो हुई है तार ही।
अब देखो साधारण मनुष्य के जीवन में चिंता आना स्वाभाविक है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वाले घलो नहीं छोड़े चिंता है गा, संत महात्मा वाले घलो नहीं छोड़े। मैं देख लो रामायण ले पढ़ के, तुलसी जी लिखे आंधी तनय मन चिंता व्यापी लेत भला। कमती लंबा है कर नाम हा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। वो महामुनि है ज्ञानी है, रथे कहाँ तो बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। वन में निवास करते शुभ आश्रम में सिद्ध आश्रम में, अब का करते वहां तो जब तब योग यज्ञ मुनि कर ही, जब तब पूजा पाठ योग यज्ञ करते। अब ऐसा ऋषि के जीवन में घलो चिंता देख ले, गांधी तने मन चिंता व्यापी। नितोला का करे बर है दुनियादारी से, आंधोक लेना मांधोक देना। चल घर वाली रिसा है तो कर बल लुगरा पोल खल लेना है, कहना चिनिए एक झल रहना है। बेटा बाढ़ गेहत बहु खोजना है वाला बातें चुनिए, बेटी बाढ़ गेहत दमान खोजना है वाला हमने चिंता चुनिए। सांसारिक कोई प्रकार के झमेला नहीं है, फिर भी होकर जीवन में चिंता। सजनों वास्तव में ये चिंता है तो बहुत ऊंचा चिंता है। सब जन चिंता करथन गा, लेकिन सबसे चिंता में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। एका जन आदमी अपने चिंता कर ही दूसर के नहीं करे। अपन खाए पिए पहरे ओढ़े वर हो गए, अपन जरूरत पूरा हो गए, उतके चिंता करते। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, दुनिया मरे तो माचे मोर दोंदर हर हरे। एका जन मनुष्य ने चिंता करते तो लका की थन ये तो गंवारेगा, हल्का करो फिक्र नहीं रह भाई, खाली अपने चिंता करत रहते। एक आजन मन अपने चिंता नहीं करे, पूरा परिवार के चिंता करते। परिवार में कोनो कही प्रकार के तकलीफ झन हो के पूरा परिवार के चिंता करते। बोला का कहथन, बोला होशियार के थन, बढ़िया होशियार है गा, पूरा परिवार लो संभाले है। एक आजन आदमी अपने परिवार के चिंता नहीं करे जी, पूरा गांव चिंता करते। गांव कोनो दुख तकलीफ झन मिले भाई, है नहीं गांव सब सुखी रहे, ऐसे गांव की चिंता करते। बोला का कहथन, बुद्धिमान, अच्छा बुद्धिमान आदमी का गांव बेचारा अच्छा संभाले है, इसे कहथन। अच्छा ये का जन मन एक ठन गांव की चिंता नहीं करे, पूरा राज्य की चिंता करते। ये राज्य में कोनो ल कहीं प्रकार के परेशानी झन होवे, सबला रोटी कपड़ा मकान मिले, सबला बराबर मान सम्मान मिले, ऐसे चिंता करते। बोला का कहे जाते, बोला सुजान कहे जाते, बड़ा सुजान आदमी है, राज्य अच्छा संभाले है। एक आजन मन सजनों ऊपरों से ऊंचा उड़ जाते, केवल राज्य के ही चिंता नहीं करे, पूरा देश के चिंता करते। देश में कोनो ल कहीं प्रकार के तकलीफ झन हो, तो बोला का कहते परम सुजान, ये परम सुजान है, देश ल बढ़िया चलावत है। अच्छा ये कहा जन औ महा महान आत्मा होते, जेन है केवल एक देश की चिंता नहीं करे, पूरा विश्व के चिंता करते। बहुजन सुखाए बहुजन हिताए नहीं, सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए के भाव जेकर भीतर में रहते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में सब प्राणी सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबके जीवन में आनंद ही आनंद रहे, ऐसे भाव जे विचार करते। चाटी से लेके हाथी तक दुनिया के सब प्राणी के कल्याण के बारे में सोचते, उहिल महान कहे जाते। अब इसने महान ऋषि है विश्वामित्र, विश्वामित्र महान मुनि ज्ञानी, तो नामे से पता चला थे ना भाई, विश्वामित्र जो पूरा विश्व मित्र के भाव से देखे, संसार के प्रत्येक प्राणी के कल्याण के भाव जेकर भीतर में है, वो हरे विश्वामित्र है नहीं। तो विश्व के कल्याण करना चाहते हो, अब विश्व की स्थिति कहाँ है तो ही दे, चोरहा ढोरहा रिंधिया झग रहा मन है ना, बाढ़ गया हाँ। बाढ़ ही बहु खल चोर जुआरा, और शब्द हर अनिति अधर्म करत है, अन्याय करत है, यज्ञ हवन पूजा पाठ में बाधा परत है, धर्म कर्म में बाधा परत है, अनिति अधर्म ला औ
बढ़ावा देवत है और धर्म कार्य में उल्लंघन करत है, वही मंत्र राक्षस है ऊपर, वही मंत्र निशाचर जी। निशाचर के ये क्यों बढ़िया रूप बताए तुलसीदास जी हैं, मात मान ही नहीं मातु पितु देवा, साधन सन करवा वही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सम प्राणी। तो जो माता पिता ल नहीं माने, गुरु ल नहीं माने, संत महात्मा ल नहीं माने, धर्मशास्त्र ल नहीं माने, साधु संत के सेवा करे के बजाय उल्टा उकरे करल सेवा करवाते, हमेशा धर्म के विरोधी काम करते, वही मतलब घोर निशाचर कहे जाते गा। वैसने राक्षस मन बढ़ के रहे थे गा, सिद्धि एक संत ल चिंता हो गया रहा, और जब चिंता हो ना तो फिर भगवान के चिंतन करीश, ध्यान से देखीश तो भगवान के अवतार हो गए है अयोध्या नरेश राजा दशरथ के घर। तो क्यों ना प्रभु ला अयोध्या के सीमा से निकाल करके जगत के कल्याण के लिए लाया जाए, ये विचार करके अयोध्या के ओर प्रस्थान करीश है। बहुविधि करत मनोरथ जातन लागी बार, सरजू जल मज्जन करी गए भूप दरबार, गए भूप दरबार। बहुविधि करत मनोरथ जातन लागी बार, मन में भगवान के स्मरण करते करते, चिंतन करते करते विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या के ओर प्रस्थान करिस। भैया बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हो जैसे पावन जी, तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन जी, गंगैया बड़ मन भावन गे, संगी बड़ मन भावन गे। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन गे, तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन गे, गंगैया बड़ मन भावन गे, संगी बड़ मन भावन दे। तिंझन रानी अवधपुरी हरे राजधानी, तिंझन राजा के तिंझन रानी अवधपुरी हरे राजधानी। सरयू मैया के निर्मल पानी, सरयू मैया के निर्मल पानी, बड़ा सुहावन है भैया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है, जब भैया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। वो
झंडक चर बहुरिया चर हवै के जहुरिया चार झंडक चर बहुरिया चर हवै के जहुरिया रामा के श्यामा सिया की गोरिया रामा के श्यामा सिया की गोरिया पतित पावन हे भैया बड़ मन भावन हे संगी बड़ मन भावन हे तुलसी के लिखे रामायण गंगा जी से पावन हे बाबा के लिखे रामायण गंगा जी से पावन हे भैया बड़ मन भावन हे संगी बड़ मन भावन हे बड़ मन भावन हे भैया बड़ मन भावन हे बड़ मन भावन हे संगी बड़ मन भावन हे बड़ मन भावन हे भैया बड़ मन भावन हे बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। ओद जी जा करके राजा दशरथ ल समझा करके भगवान ल अयोध्या ले निकली आ दोनों भाई फिर विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षा करे बर निशाचर मन के विनाश करे बर निकल गए। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। और जैसे ही विश्वामित्र के साथ जात रही से विशाल शरीर लेकर के ताड़ का सामने आई गुरु जी है तन बताइस की बेटा ये दहु हर एक झन बाधा और भगवान है तन एक ही बाण प्राण हर लेना दीन जानते ही निज पद दीना एक ही बाण में अगर प्राण के हरण कर लेस और कहाँ जगदीश अपन चरण में निज पद दिन्हा मारी सुबह उगला भी भगवान है तौन है ना एक झनला पूरा मारी से एक झनला अधूरा मारी से क्या बार अभी होकर रोल बांचे रिस न तेकर से सब ले जोड़ते जोड़ते चलन थे भगवान जंगल में ऋषि मुनि मल्ला अपन साथ में जोड़त जाते कोल भील मल्ला अपन साथ में जोड़त जाते कबर उकर अवतार जोड़ेज बर हो ही न भाई है नहीं जतकल राक्षस मन तोड़े पड़े रहते तो उन्हें ल जोड़े बर भगवान हाँ आ है गा तेकर से थी सब ल जोड़त जाते हाँ जाते जाते रही से एक जगह ऐसे रहता है इसकी गुरु जी हैं कहते बेटा को डर नहीं जा रहे ऐसे जाबो पहुँच के अति लाग थोड़ी बहक करेंगे इस गुरु विश्वामित्र हाँ भगवान राम कथे गुरुदेव ये रास्ता है कबर नहीं जाने डाल नहीं नहीं वो दंडित है जगह बहुत श्रापित है जे रास्ता में कोई आना जाना बंद कर देते मैं हमन का बल जाबो जी सब बंद कर देगा और रद्दम रेंगना या वैसे जगह है वो जगह है जहाँ पशु पक्षी यहाँ तक चीटी मन घलो नहीं हो जगह अतेक दंडित और श्रापित जगह है। तो वास्तव में सजना पति ही भले छोड़ दे लेकिन जगत पति थोड़े छोड़ ही जी और जगत पति तो ओकरेज बर निकले है जबरदस्ती गुरु जी ले पूछिस गुरु जी ये जब कहीं घटना घटे का बता मोला है नहीं ये आश्रम हर सुन शान दिखत है यहाँ कोई पशु पक्षी मृग या जीव जंतु नहीं है और ये पत्थर जो नारी के आकृति में दिखाई देवत है ये आखिर कौन है एकर कहानी का है एकर इतिहास का है मोला बता भगवान स्वयं पूछे करुणा निधान राम जी की यही तो करुणा है जीव है तो ईश्वर ल तलाश करते कि भगवान कहाँ मिल ही संत के पास जाही सत्संग में जाही तीर्थ यात्रा में जाही भगवान ल खोजे बर जीव निकलते लेकिन आज भगवान ही जीव ल खोजे बर निकल गए और स्वयं खोजत खोजत आवत है स्वयं आके पूछा थे कि ये कौन है विश्वामित्र कहते बेटा सचमुच में ओकर सिद्धि तोर नाम करुणा निधान है तोर नाम करुणा के धाम है गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर
गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा कर गुरुवीर भजले हरि हरि मनवा हरि हरि परम पिता की कृपा बिना चले न किसी कचार परम पिता की कृपा बिना चले न किसी कचार सब कुछ दाता राम है बाकी सब कंगाल भजले हरि हरि मनवा हरि हरि जपले हरि हरि रे पगला हरि हरि गौतम नारी श्राप बस हे राम ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्रापित है बिचारी है श्राप के कारण पत्थर वत पड़े है जड़वत पड़े है भूल से हो गए पाप पति दे दी श्राप अवकरे करत बैठे है पश्चाताप तोर प्रतीक्षा में आज तक बिचारी बैठे है युग बीत गए है वास्तव में देखो माता अहिल्या है तन ब्रह्मा के सबसे सुंदर रचना है अतेक सुंदर बनाई ब्रह्मा अहिल्या ला अतेक सुंदर मतलब ऐसे लगते हो इतवार के दिन बनाई इसका छुट्टी के दिन फुर्सतधाम बनाई सोही क्या बार आने दिन बनाती तो हड़बड़ ही हम कुछ ना कुछ कमी रही जाती इसका बार कई ठन काम रहते अन्य दिन वो दिन ब्रह्मा ड्यूटी से मुक्त रही सोही एकदम ठेलहा तभी सोच सोच के बनाई सो अतेक सुंदरी नारी बन गए माता अहिल्या हाँ जिला देखी तो ब्रह्मा स्वयं खुश हो गए अरे बड़ा जोरदार है बहुत बढ़िया बन गए अभी रखो तो रखो कहाँ दुनिया वाले मन के नजर पड़ ही मतलब ऊपर भाव हो बिगड़ ही तो संसार के नजर झन पड़े कर ऊपर ये तो रति से भी सुंदर है तो कहाँ रखे जाए अब ओकर रखे पर जगह खोजे थे ब्रह्मा कौन ठोर में है रही सुंदर तब ऋषि मुनि मन कर पहली तो गौतम ऋषि कर गई सिर तोरे कर रखे रहे कागज काय थे माई लोग हाँ तो इधर बैठा दे वो देखिस तक नहीं गौतम ऋषि उधर बैठा दे रन तक एक तीर में रह रही अपन रंधत खात रह रही जाते कहाँ जाते ब्रह्मा निकल के संसार में ओकर बड़ जगह खोजात तीनों लोग 14 भुवन में घूम डरिस कोनो जगह बोले सुरक्षित नहीं लगी जहाँ अहिल्या सुरक्षित रह सके कहीं काम तो कहीं क्रोध तो कहीं लोभ तो कहीं मोह तो कहीं और दोष दुनिया में हर जगह दिखाई दिस जाने थक हार के ब्रह्मा आगे आओ के थे गौतम ऋषि जी कोनो जगह ठौर नहीं मिली से राखे भाई अच्छा कोनो जगह ठौर नहीं मिली तो लेक जा तोर संग नहीं की तोरे संग लेक जा ती राखबे तो ब्रह्मा कथे कहाँ है वह कथी कर मढ़ा है सूच कर हो मैं आज न देखे से नहीं आके कई वर्ष बीत गए रहे गौतम ऋषि है तन वो अहिल्या ल देखे च नहीं रहा ब्रह्मा जान डरी सब एकर से सुरक्षित जगह वो कहीं नहीं मिले नहीं तो नारी के नाम सुनते ही या नारी के आवाज सुनते ही नारी के सौंदर्य देखते ही बड़े बड़े ऋषि मुनि मन पतन के गर्त में चले जाते कामना वासना जागृत हो जाते ज्ञान विज्ञान विशारद नारद है तन भटक गए व्यास देव है तो नारी के सौंदर्य में भटक गए महान तपस्वी विश्वामित्र नारी के सौंदर्य में भटक गए पर मानना पड़िए गौतम के साधना तपस्या ला एकर मन में जरा भी विकार नहीं है अब गौतम के अर्थ ही होते गौतम गौतम है ना जेकर इंद्रिय है उत्तम है वही हरे गौतम गो उत्तम गो यानी इंद्रिय और उत्तम माने अच्छा तो जो अपन दसों इंद्रिय से साधना तपस्या करे ना वही हरे गो उत्तम तो ऐसे गो उत्तम के जीवन में जब कामना वासना नहीं रहे तब वहां नारी है तुम सुरक्षित रही थी गौतम के नारी पर पत्थर बन गए मांगते हैं रामा धुरा चरण के
गगन किनारी परे पत्थर बनके मांगते हैं रामा धुराला चरण के तोर पावन हो तोर पावन चरण लछुआ देवे का भगिन के भागला जग देवे का या पावन ही पावन बना दे बेका या भागिन की भागना जगा दे बेका या पावन ही पावन बना दे बेका अधरात कुकरा बन के बासर चंदा गौतम खा जावत ये ना है बर गंगा राजा इंद्र कुटी मयावे गौतम ऋषि बन के बोले अहिल्या बात अपन मन के मुर मन के या भगिन की भागला जगा दे बेका या पावन ही पावन बना दे बेका या भगिन की भागला जगा दे बेका या पावन ही पावन बना दे बेका गौतम खा देख जी राजा इंद्रला करे पवित्र तैगा आज मोर घरला गौतम खा देख जी राजा इंद्रला करे पवित्र तैगा आज मोर घरला जैसे तै करनी करे तैसे होई होनी आज ले तोर तनमा रही लखियोनी अपन करनी हो अपन करनी के तैं भुगत बे सजा ये भागिन के भागला जगा दे बेका ये पावन ही पावन बना दे बेका ये भागिन के भागला जगा दे बेका ये पावन ही पावन बना दे बेका गौतम के नारी पर पत्थर बन के मांगते हैं रामा धुराला चरण के तोर पावन चरण लछुआ दे बेका ये भागिन के भागला जगा दे बेका ये पावन ही पावन बना दे बेका ये भागिन के भागला जगा दे बेका ये पावन ही पावन बना दे बेका मैं भागिन हवा मोला तार ले मैं भागिन हवा मोला तार ले तोर चरण कमल माओ बार ले तोर चरण कमल माओ बार ले मैं
जय भागन हवा मोला तार ले, मय भागन हवा मोला तार ले, तुर चरण कमल माँ उबार 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 ले। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एद भैया ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराई में भूते, इंद्र के अर्थ थे जो इंद्री सुखल महत्व दय, भोग विलास में डूबे रहे उहिल कहे जाते इंद्र। अवकर शि इंद्र के बारे में गोस्वामी जी लिखिस घला ऊंच निवास नीच करतूती, भले ये देवता मन ऊंचा स्थान में निवास करते लेकिन इकर करनी एकदम नीच है, देख न सके पराई भूति है न, पराय के सुख लैश्वर्य लग देख नहीं सके। तो इंद्र से भी यही अपराध हो, कभू कभू तो तुलसीदास जी इंद्र लग कुकुर घलो कही देते है, हाँ कुकुर सुख हाड़ ले भाग सक स्वान निरख मृगराज। तो जो भोग विलास ल महत्व दे, असल में का है ये मन हम पुण्यात्मा है, जिन मन पुण्य करते ना तवने स्वर्ग जाते, और जो है बहुत ज्यादा ही पुण्य कर लेते वाला इंद्र के पद प्राप्त होते है, और वहाँ स्वर्ग में तहन भोग ही भोग है, भोगी मन के ठौरे, तकरे से स्वर्ग लभी अंत में दुखदाई ही के है, अंत स्वर्ग स्वल्प दुखदाई। तो इंद्र के कारण यानी सची पति के कारण अहिल्या के पतन हो गए, ये सची के पति है, सची पति के कारण पतन हो गए, और सीता पति है तनोकर उद्धार कर गए, पराय पति है ओकर पतन करी, सब पराय पति है आज ओकर उद्धार कर दी। रजोगुण के कारण ही अहिल्या के पतन हुई, रजोगुण के कारण है ना, और भगवान के चरण के रज से ही ओकर कल्याण है। जब इंद्र के स्पर्श हुई सुना तो अहिल्या के पुण्य कांप गए, पुण्य खत्म हो गए। आवाज राम के जब चरण के स्पर्श होई से तो अहिल्या के पाप ह कांप के भगा गए। तो भगवान के चरण के रज से अहिल्या के उद्धार हो गए। धन्य है ये धरती और धन्य है यहाँ के धूल, जिन हक अक्र मुंदाई आखिला उघार देते, अहिल्या के आंखी मुंदारी ते लोग उघार नहीं दीज गया, और ये धूल लगा के ही गए, नीच को धूल समान, धूल के समान नीच कोई नहीं है, अगर ये धूल है कोई भोजन में पड़ जाए तो भोजन लग खराब कर देते, ये धूल अगर पानी में चले जाए तो पानी लग गंदा कर देते, ये धूल और कोई भी पदार्थ में मिल जाए तो वो दूषित कर देते, ये धूल अगर हवा के साथ मिल के ककरो आंख में पड़ जाए तो आंखला रोगी बना देते, कतको के आंखला ही फोड़ देते, लेकिन धन्य है ये धूलला जो राम के चरण से जुड़ करके अहिल्या के आंखला खोल दी। हाथी रेंग थे जिसे तो देखे हो, वैसे धुर्रल उठा उठा कर अपन पीठ में डारत रहते, मोहतिया तुरते धोए रही कस के लगल लगल के बिचारा है, एक कनी निकली सो हाथी नहीं तहन धुर्रल ऐसे डारते, कोनो मन की ही कसरे हाथी अतेक सुंदर बिचारा तो नौहा खोर के निकाले है, अरे धुर्रल काबर अपन पीठ में उडारा था। तो हाथी कहते मैं वो धूल लग खो जाता, कति धूल न जैन धूल में पथरा नारी बनी से, गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या पथरा बने परे ऋषना, और वो धूल में वो नारी बन गए, वही धुर्रल महू खो जाते, वो धूल में पाते ना तो महू सुंदर नारी बन जाते हैं, ओकरे स्थिति हम अपन पीठ में डारत रहते, महू सुंदर नारी बन जाते हैं, कोनो ऋषि मुनि के सुवारी बन जाते हैं, अतेक बड़े शरीर ल देखना पथरा बरोबर शरीर है बेढंगा, वास्तव में हाथी के शरीर है सुंदर नहीं रहे बेढंगा रहते, अतेक बड़े शरीर ल चलाए में मोला तकलीफ होते, एकाशे ये पथरा जैसे बेढंगा शरीर ल त्याग करके सुंदर नारी बनना चाहत हाँ, कोनो ऋषि मुनि के सुवारी बनना चाहत हाँ, ताकि मोला
संत के सेवा करे के मौका मिल जाए, सत्संग करे के मौका मिल जाए। तो धन्य है धरती के धूल जे मुदाया अखिल उघार देते। विदेश ले कोई संत महात्मा आते ना तो यहाँ की माटी पहले अपन माथा में लगाते, यहाँ की मिट्टी अपन मस्तक में लगाते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु अब के बार अगर जन्म देना हो ही तो भारत के पवित्र धरती में जन्म दे दे। काबर यहाँ के माटी में अपार शक्ति है, यहाँ के धूल में अपार शक्ति है, संजीवनी मूल यहाँ के धूल है। जब जब धरती माँ जन्म धरूं, चंदन माटी के तिलक करूं, बन के शेखर सुभाष भगत सिंह देश के खातिर जिया मरा, मैं राम लखन कस रतन बना, नारी मा रूप सीता के, मैं रामायण के छंद बना, अश्लोक बना मैं गीता के, मैं हनुमान कसबीर बना, संहार करा असुर दल के, मोर ध्वज जैसे दानी बना, रद्दा मचला पूरन मल के, मैं हितवा मन बरखार बना, बैरी खातिर तलवार बना, महिषासुर ला मारे खातिर संहत दुर्गा अवतार बना। जब जब धरती माँ जन्म धरूं, चंदन माटी के तिलक करूं। बोलिए राजा राम चंद्र की जय। चलो एक छोटे से भजन के संग अब मैं अपन बात ल विराम दे हूँ। त्रुटि होना स्वाभाविक है, क्षमा प्रार्थी हम। आगंतुक मंडली ल सचेत कर दे, सजग कर दे। जाते जाते भगवान से यही प्रार्थना करी हूँ कि हे प्रभु भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, निर्वस्त्र को कपड़ा और गुंगे को वाणी देना, और राम कथा सुनने वाले प्रेमियों को लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना। आप सुन लो भगवान दीर्घायु प्रदान करे, सद्ज्ञान सद्विद्या सद्बुद्धि प्रदान करे। यही भाव के संग एक छोटे से भजन बोलिए राज रामचंद्र की जय। कतका दिन ले घूमत रहे दुनिया के हाट ने, अरे कतका दिन ले निंदरत रहे बारा बानी बाट में, कतका दिन ले अरझरे में अस्सी और साठ में, कतका दिन ले सोवे राजा लकड़ी के खाट में, अब का बचे हैं तोर तन के सर हठाठ में। चलो चलो संगी अब तो सत्संग के घाट में, चलो चलो भैया अब तो भक्ति के घाट में, जाना है ध्यान लगाए रहा, जाना है ध्यान लगाए रहा, यहाँ लेना देना माझन भुलाए रहा, यहाँ लेना देना माझन भुलाए रहा, जाना है ध्यान लगाए रहा, जाना है ध्यान लगाए रहा, यहाँ लेना देना माझन भुलाए रहा, यहाँ लेना देना माझन भुलाए रहा। गहरी नदिया डोंगा पुराना दे, डोंगा पुराना दे, गहरी नदिया डोंगा पुराना दे, डोंगा पुराना दे, डोंगा चलैयाला पटाए रहोगा, डोंगा चलैयाला पटाए रहोगा, लेना देना माझन भुलाए रहोगा, ना लेना देना माझन भुलाए रहोगा।
समय के गाड़ी भैया जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। समय के गाड़ी भैया जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। राम नाम टिकट कटाए रखगा, राम नाम टिकट कटाए रखगा, लेना देना माझन भुलाए रखगा, यहाँ लेना देना माझन भुलाए रखगा। जाना है ध्यान लगाए रखगा, हीरा मोतीला गठियाए रखगा, डोंगा चलैयाला पटाए रखगा, राम नाम टिकट कटाए रखगा, लेना देना माझन भुलाए रखगा, माया ममता माझन कोई भुलाए रखगा, सिया राम नाम टिकट कटाए रखगा, सिया राम के चरण माल पटाए रखगा, सिया राम के चरण